एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां बरदा थाना अंतर्गत क्षेत्र में बीते 29 नवंबर को गोली मारकर चैन और अंगूठी छीनने के घटना के वांछित अभियुक्त व 25,000 रुपये के इनामिया अपराधी दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर निवासी ग्राम इरिनी थाना बरदा की पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके दाहिने पैर के घुटने में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध 32 बोर की पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, अंतर जनपदी गैंग के 25,000 रुपये के इनामिया अपराधी व अभियुक्त दीपक राजभर के अलावा 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुलदीप उर्फ कवलदीप पुत्र दयाराम निवासी भरतीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ और अंशिका पुत्री मुलई यादव निवासी मानकपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर वगैरह भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से लूट की 2 मोटरसाइकिल, 2 अवैध असलाहा, 4 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस, सोने के सामान व 15,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। 29 नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी। इसके संबंध में थाना बरदा पर FIR नंबर 383/22 धारा 394 IBC पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए सिविल लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षात्मक पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी, और कुछ कैश बरामद हुआ है। जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे। इस पूरे गैंग के पास से अभी तक 1 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 अंगूठी सोने की, 2 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है, और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे, ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।